हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ क्लास टू। ओके, क्लास टू की मैथ की बुक है, चैप्टर वन है आपका नंबर्स अप टू 200। ओके, चैप्टर वन है आपका नंबर्स अप टू 200। ओके, चलिए वी विल लर्न हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, देखते हैं। बिल्डिंग नंबर्स अप टू 200, रीडिंग नंबर्स अप टू 200, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, कंपेयरिंग नंबर्स, ऑर्डर ऑफ नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स एंड ओरिजिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, ये जो है हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स अप टू 200 में हमको इतनी सारी चीज़ें जो हैं पढ़नी है, ठीक है। वार्म अप दिया गया है, जो आप पिछले चैप्टर पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हो, है ना, क्लास वन में जो आप जानते हो, जो सीख चुके हो, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, करना है। ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द नंबर्स नेम ऑफ 89। ओके, आपको नंबर नेम लिखना है 89 का, तो आप 89 कैसे लिखोगे, ई आई जी एच टी वाई 80 और एन आई एन ई 9। ओके, राइट द नंबर नेम ऑफ 89 को आप क्या लिखोगे, ई आई जी एस टी वाई एन आई एन ई 9। ओके, दिस इज 89। राइट द न्यूमरल ऑफ 96। ओके, तो 96 आप कैसे लिखोगे, एन आई एन ई टी वाई क्या होता है 90 और एस आई एक्स क्या होता है 6, तो ये हो जाएगा आपका 96। ओके, दिस इज 96। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, पुट द साइन ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल, 30 और 49 दिया गया है आपको, उसमें आपको क्या करना है, साइन लगाना है कि वो इक्वल है, कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। ओके, तो 30 क्या है, स्मॉल है, और 49 क्या है, 30 से बिग है। ओके, तो आप इस तरीके का इसमें सिंबल्स लगा लोगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, फिल इन द टेंस एंड वन डिजिट। ओके, आपको यहाँ पे फिल करना है टेंस और वंस, ठीक है। 72 यहाँ पे दिया गया है, तो 72 में 2 क्या है आपका, वंस है, और 7 क्या है आपका, टेंस है। क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग स्मॉल से बिग। ओके, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग से स्मॉल, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों नंबर्स को आप देखोगे और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्मॉल है, कौन सा बिग है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो 1919, ओके 37, देन 42, 54, 61 एंड 83। ओके, क्या क्या लिखोगे आप, 19, देन 37, देन 42, 54, 61 एंड 83। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हो, सबसे बिग जो होता है उसको आप फर्स्ट में लिखते हो, और जो सबसे स्मॉल होता है उसको आप लास्ट में लिखते हो, ठीक है। तो 83, ओके, फर्स्ट फॉल आपका क्या जाएगा, 83, देन 79, देन 53, 45, 25 एंड 14। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन द गिवन नंबर्स। जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उसके बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन का नंबर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए बी और सी में आपको बिफोर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए बी और सी में आपको बिफोर लिखना है, 28 के बिफोर क्या आता है 27, 34 के पहले क्या आता है 33, 12 के पहले आता है आपका 11। ओके, क्वेश्चन नंबर डी ई और एफ में आपको क्या करना है, आफ्टर नंबर्स लिखने हैं, देन 97 के बाद क्या आता है 98, 69, 17, 70 एंड 43 के बाद 44। ओके, ठीक उसी तरीके से क्या है, जी एच आई जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया है उसमें आपको बिटवीन नंबर्स लिखने हैं। ओके, तो 98 और 100 के बीच में क्या आता है 99, 27 एंड 29 के बिटवीन में क्या आता है 28, 40 एंड 42 के बीच में क्या आता है 41। आपको काउंटिंग आती है ना, 40, 41, 42, 43, 44, तो इस तरीके से जो आपको बिटवीन भरना है, ये आफ्टर भरना है, देन ये बिफोर भरना है। ओके, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर एट है, काउंट बैकवर्ड टू कंप्लीट द पैटर्न। ओके, आपने फॉरवर्ड नंबर पढ़ा, बैकवर्ड नंबर पढ़ा। फॉरवर्ड नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड बैकवर्ड नंबर मीन्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पे बैकवर्ड नंबर में आपको क्या दिया गया है, 100, 99, 98, 97, फिर आप क्या लिखोगे, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87 एंड 86। ओके, आ जाएगा आपको, ठीक है।
ये आपका होमवर्क है, टुडेज होमवर्क सब्जेक्ट मैथ में आपका होमवर्क क्या है, वार्म अप आपको कंप्लीट करना है, बुक में आपको फिलअप करनी है और इसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड करना है। ओके, अभी के लिए थैंक यू।